नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो कार्तिक मास के स्नान और दीपदान, तुलसी पूजा अर्थात संपूर्ण नियम के बारे में होने वाली है, जिसमें कि आप लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि जो भी हमारी बहनें हैं, मान लीजिए कि कार्तिक स्नान का नियम उठा लेती हैं, संकल्प ले लेती हैं, तो मासिक धर्म बीच में आ जाए तो इसके लिए कैसे करें, नियम क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है और नियम खंडित होने पर क्या करें, अर्थात मासिक धर्म में उन्हें नियम किस प्रकार से पूरा करना है। दूसरी बात, किस दिन से आपको कार्तिक स्नान या फिर दान, दीप दान, तुलसी पूजा का जो विधि है, ये सब आपको किस दिन से उठाना है, जैसे कि आश्विन पूर्णिमा से उठाना है या कार्तिक मास के प्रथम दिन प्रतिपदा से उठाना है, ये बात भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। दूसरी बात, आप लोग जानेंगे कि दीपदान आपको किस किस स्थान पर करना है जिससे आपको अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति हो। कार्तिक मास दीपदान, स्नान और दान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो दीपदान के विषय में आप लोग पूरी बातें जानेंगे। साथ में सबसे जो जरूरी और मुख्य बात है, बहनों के मन में ये प्रश्न आता है कि पहली बार अगर इस बार उन्हें कार्तिक स्नान का नियम उठाना है या फिर तुलसी पूजा का नियम उठाना है, जैसे कि इस वर्ष मलमास था, तो क्या पहली बार वो नियम उठा सकती हैं या नहीं। यदि इससे पहले वो कार्तिक स्नान का नियम नहीं की है तो इस साल कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो ये सारे जो मन में दुविधा होती है, प्रश्न आते हैं बार बार, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, आप लोग संपूर्ण वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता देती हूँ कि पहली बार यदि आपको नियम उठाना है तो आपको क्या करना है। देखिए, दो बातें हैं। पहली बार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस वर्ष में मलमास लगा रहता है उस वर्ष में हम कोई नया कार्य नहीं करते हैं, नया व्रत नहीं उठाते हैं, उद्यापन इत्यादि नहीं करते हैं, तो इसके लिए भी ये नियम है, क्योंकि कार्तिक मास का जो नियम है यह भी एक प्रकार से व्रत है। कार्तिक मास का स्नान और तुलसी पूजा का जो नियम हम लोग उठाते हैं यह एक व्रत है, तो नया यदि आपको उठाना है तो हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि मलमास जिस वर्ष लगा हो उस वर्ष हम लोग कोई नया कार्य शुरू नहीं करते हैं, खास करके शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, व्रत इत्यादि हम लोग नहीं शुरू करते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी बता दूं कि बहुत से लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि मलमास का ये जो नियम है वो लोग नहीं मानते हैं, मतलब नहीं लेते हैं, जिस वर्ष मलमास लगा होता है उस वर्ष भी वो नया व्रत इत्यादि उठाते हैं, तो अपनी अपनी मान्यता है। यदि आपके यहाँ मलमास वाले वर्ष में भी सभी व्रत इत्यादि नया उठाया जाता हो तब आप लोग कार्तिक मास का नियम भी उठा सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जो है वो अपनी परंपरा पर निर्भर होती है, आपको अपने बड़े बुजुर्ग घर के जो भी हैं उनसे पूछना होगा कि आप इस नियम को मानते हैं या नहीं, तब आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपके यहाँ मलमास का नियम लिया जाता है तो आप लोग पहली बार ना उठाएं, लेकिन विधि विधान से आप लोग पूजन अर्चन, माँ तुलसी जी की पूजा, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना आप लोग पूरे विधि विधान से कर सकते हैं। सुबह और संध्या दोनों समय माँ तुलसी जी के समक्ष दीपक इत्यादि जला सकते हैं। ये बात हो गई। अब आइए बात कर लेती हूँ मासिक धर्म की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, बहनों के लिए ये समस्या आ ही जाती है, तो उनका कोई भी व्रत इत्यादि कैसे पूरा हो ये मन में प्रश्न उठता है। अब मैं बताती हूँ कि मासिक धर्म यदि कार्तिक स्नान के बीच में आ रहा है तो कौन सा नियम आपको करना है। देखिए, स्नान का नियम तो आपको नहीं छोड़ना है, बस एक आपको बात का ध्यान रखना है कि यदि आप पानी में गंगा जल डालकर प्रतिदिन स्नान करती हैं, क्योंकि गंगा जल डालकर स्नान करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कार्तिक स्नान है तो जो लोग घर पे स्नान करते हैं वो पानी में गंगा जल डालकर करते हैं, और जो लोग तीर्थस्थल में कल्पवास इत्यादि करते हैं वो लोग तो पवित्र नदी में, उनका सौभाग्य है, वो लोग स्नान कर ही लेते हैं। लेकिन जो घर पे गंगा जल यदि आप डाल के प्रतिदिन स्नान कर रही हैं कार्तिक मास में, तो मासिक धर्म में आप गंगा जल ना डालें, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान है कार्तिक मास का, जो कि भोर में 4-4:30 बजे के अंदर कर लिया जाता है, वो आपको नहीं छोड़ना है, उसको तो आपको करना ही करना है। अब दूसरी बात आती है दान की, तो दान का नियम आपको कब तक छोड़ना है और कब से करना है। तो दान का नियम आपको चौथे दिन तक नहीं करना है, चौथे दिन से आप दान कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अपने बालों को धुलकर चौथे दिन से आप दान वाला जो कार्य है वो कर सकती हैं। मान लीजिए आपने उधर 3 दिन दान नहीं किया है
तो उस दिन के निमित्त भी आप लोग दान कर दीजिए, क्योंकि दान की तो कोई सीमा नहीं है, जिसमें कि सबसे मुख्य मैंने बताया है पहले भी वीडियो में कि अन्न दान अवश्य कीजिएगा, उसके बाद जो आपकी सामर्थ्य हो आप लोग दान कीजिएगा। तो उन 3 दिनों के निमित्त भी आप दान कर दीजिए तो आपका दान का नियम भी खंडित नहीं होगा। अब मैं बात करती हूँ कि पूजा की, जैसे कि तुलसी माँ के समक्ष जो हम लोग दीप दान का नियम लेते हैं संध्या और सुबह का, वो तो आपको 7वें दिन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ का कार्य हम लोग 7वें दिन से ही शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपका नियम कैसे पूरा हो, खंडित ना हो, तो इसके लिए मैं बता देती हूँ। जब आप 7वें दिन से पूजन इत्यादि शुरू करेंगी, तो जो आपने माँ तुलसी जी के समक्ष दीपदान का नियम लिया है, इससे पहले मैंने तुलसी जी के विषय में सारी जानकारी वीडियो में दी है, आप लोग देख सकती हैं कि नियम कैसे लिया जाता है, कितने दीपक का नियम लिया जाता है, और तुलसी माता के बारे में सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो मान लीजिए आपने 5 दीपक 7 दीपक जो भी आपने नियम लिया है, तो आपका 6 दिन तक छूट गया, इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। तो 7वें दिन से जब आपने मासिक धर्म के समाप्त होने के बाद आपने पूजा शुरू की, तुलसी माता के समक्ष दीपदान शुरू किया, क्योंकि ये नियम की बात होती है, हम लोग संकल्प लेकर पूरे माह हम लोग दीपदान करते हैं, तो खंडित नहीं होना चाहिए, नियम की बात है। तो जो 6 दिनों का आपका दीपक छूटा हुआ है, उतना दीपक आप नहीं जला पाई है, तो एक एक दिन में उस दीपक के, उस 6 दिन के निमित्त आप दूना दूना दीपक करके आप जला दीजिए। कहने का मतलब है, आप समझ गई होंगी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि 6 दिन का जितना भी दीपक है जोड़कर आप एक ही दिन जला दीजिए, एक ही दिन जला सकती हैं तब भी ठीक है, नहीं तो एक एक दिन करके आप पूरे 6 दिन का दीपक आप जला सकती हैं, और जो उस दिन का दीपक है उसको तो आपको जलाना ही जलाना है। जैसे कि समझने वाली बात है कि 5 दीपक का नियम आपने ले लिया और 6 दिन आपका छूट गया, तो एक एक दिन का करके 5-5 दीपक एक्स्ट्रा आप इधर आगे करके आप जलाती चली जाइए, तो आपका वो 6 दिन का जो दीपक है वो पूरा हो जाएगा। जैसा कि मैंने और वीडियो में बताया है कि रविवार और मंगलवार का नियम कैसे पूरा करते हैं, और बीच में कहीं आपको जाना पड़ जाए तो कहीं इमरजेंसी हो तो उसका नियम कैसे पूरा करते हैं, तो इसी तरह ये मासिक धर्म वाला नियम भी आप 6 दिनों का जो छूटा है उसको आप इस तरह से पूरा कर लीजिएगा। ये प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न मैं बताती हूँ कि दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना चाहिए कार्तिक मास में। तो दीपदान के विषय में दोस्तों, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है कार्तिक मास में, पहला स्नान, दूसरा दान और तीसरा दीपदान। तो दीपदान माँ तुलसी जी का तो महत्व आप लोग जानते ही हैं कि तुलसी पूजा, तुलसी के समक्ष दीपदान आपको करना ही करना है, लेकिन आपको पीपल वृक्ष के समक्ष भी दीपदान करना बहुत ही श्रेष्ठ फल को आपको देने वाला होगा, बहुत ही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। मान लीजिए आप प्रतिदिन पीपल के पास नहीं जा पाती हैं, कहीं दूर है, तो आप बृहस्पतिवार को, शनिवार को आप जाकर पीपल वृक्ष के जड़ में आप पीपल वृक्ष के समक्ष दीपदान अवश्य करें। दूसरी चीज, आपको किसी सरोवर या आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब या सरोवर इत्यादि है तो वहां भी आप लोग दीपदान अवश्य करें। माँ तुलसी जी के समक्ष तो करना ही है, और माँ लक्ष्मी जी के समक्ष, विष्णु भगवान जी के समक्ष आपको दीपदान करना ही है। जितना भी आप दीपदान करेंगे आपको उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। आपके घर के आसपास मंदिर है, मान लीजिए शिव जी का मंदिर है, विष्णु भगवान जी का मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, वहां पर जाकर आप संध्या के समय दीपदान जरूर करके आइए। ये सारी चीजें कार्तिक मास में आपको अक्षय पुण्य फल प्रदान करती हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। दूसरी चीज, मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई नदी, सरोवर इत्यादि नहीं है, तो मैं एक उपाय बताती हूँ कि किसी पात्र में, किसी चौड़े मुंह के पात्र में आप जल भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसमें यदि पुष्प इत्यादि हो तो पुष्प की पंखुड़ियां इत्यादि आप डाल दीजिए, और उस चौड़े मुंह के पात्र में जैसे परात इत्यादि होता है उसमें आप एक दीपक जलाकर रख दीजिए, तो आप समझ लीजिए कि माँ गंगा जी के निमित्त आपने दीपक समर्पित कर दिया। माँ गंगा जी का ध्यान कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और उनको एक दीपक आपने अपने घर में ही, अपने घर के मंदिर के पास ही आप एक पात्र में, स्वच्छ पात्र में जल रखकर, गंगा जल डालकर आप दीपक समर्पित कर सकती हैं, तो ये गंगा माँ के निमित्त दीपक भी हो जाएगा, और बाद में उस जल को आप किसी स्वच्छ स्थान पर, किसी गमले में, पौधे में आप डाल सकती हैं, इधर उधर कहीं आप नाली इत्यादि में बिल्कुल नहीं फेंके। तो इस तरह से आपका जो पवित्र नदी या सरोवर के निमित्त दीपदान है वो भी आपका कार्तिक मास में पूरी तरह से नियम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि आसपास है तब तो कोई बात नहीं है। तो ये कार्तिक मास का पूरा नियम था कि आपको कैसे कैसे करना है। अब मैं बात करती हूँ कि किस दिन से आपको उठाना है नियम। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से हम लोग कार्तिक मास का नियम उठा लेते हैं, चाहे स्नान का नियम हो, चाहे तुलसी माता की पूजा का नियम हो, लेकिन इस बार आप सभी लोग जानते हैं कि आश्विन मास की जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, उस पर चंद्र ग्रहण लग रहा है संध्या के समय से।
तो आप कैसे नियम उठाएंगे? तो देखिए, स्नान का नियम तो आपको उठा लेना है, क्योंकि स्नान के समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय चंद्र ग्रहण का कोई भी सूतक काल नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो स्नान और दान और सुबह जो तुलसी माता की जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होती है, स्नान के साथ ही हम लोग सूर्य देव जी के उदय होने से पहले ही हम लोग माँ तुलसी जी की जो पूजा करते हैं, वो नियम तो आपका शुरू हो जाएगा आश्विन मास की पूर्णिमा से ही। अब बात करती हूँ संध्या वाला जो नियम आपका है तुलसी पूजा का, वो कैसे होगा। तो वो आपका आश्विन पूर्णिमा से शुरू इस बार नहीं हो पाएगा। स्नान का नियम तो आपका शुरू हो गया, तो समझ लीजिए आपका जो कार्तिक मास का नियम है वो प्रारंभ हो गया। अब आपकी बात आती है संध्या जो तुलसी पूजन का नियम, वो आपको करना पड़ेगा अगले दिन से, अर्थात कार्तिक मास की प्रतिपदा से। तो कार्तिक मास की प्रतिपदा को पड़ रहा है रविवार, तो रविवार को तो तुलसी जी की पूजा होती नहीं है और दीपदान भी नहीं किया जाता है। तो इसके लिए आपको सोमवार से तुलसी जी का जो संध्या का पूजन का नियम है, ये आपको सोमवार से करना पड़ेगा। सुबह का जो पूजन है वो तो आपका नहीं छूटेगा, लेकिन संध्या का पूजन आपको सोमवार से करना पड़ेगा। और सोमवार के दिन आपको करना क्या है, जितने भी आप दीपक का संकल्प उठाना आप चाह रही हैं, तो आप पूर्णिमा तिथि का भी जोड़कर और रविवार का भी जोड़कर आप सोमवार को दीपदान अवश्य कर दीजिएगा। तब आपका आश्विन पूर्णिमा से आपका नियम शुरू माना जाएगा, आपको वो नियम पूरा हो जाएगा कि आपने आश्विन पूर्णिमा के निमित्त भी दीपक प्रज्वलित कर दिया और रविवार के निमित्त तो आपको प्रज्वलित करना ही है। तो आपका संध्या तुलसी पूजन का जो नियम वो सोमवार से शुरू होगा और स्नान दान का नियम आपका आश्विन पूर्णिमा से ही शुरू हो जाएगा। तो ये बात समझने वाली थी। बहुत से बहनों के मन में ये प्रश्न आता है कि नियम कैसे शुरू करें, एक दिन चंद्रग्रहण लग रहा है, अगले दिन रविवार पड़ जा रहा है, तो तुलसी पूजा हमारी 2 दिन छूट जा रही है। तो इस तरह से आप सोमवार से अपना पूरा विधि विधान से नियम शुरू कर दीजिएगा। तुलसी पूजन का नियम क्या है, क्या क्या हमको करना चाहिए, मंत्र कौन सा बोलना चाहिए, सुबह और शाम का क्या पूजन का विधि है, भोग इत्यादि सब कुछ जानकारी वीडियो में है, वो वीडियो आ चुकी है चैनल पे, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकती हैं। आपको माता तुलसी जी की पूजा के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, कोई भी प्रश्न आपके मन में हो उसका उत्तर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा माता तुलसी के विषय में सब कुछ जानने के लिए। और ये सारी जो बातें थी मैंने क्लियर की इस वीडियो में, फिर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।